फ्रेंड्स, आज मैं किशनगढ़ आया हूँ अजमेर रोड पर। यहाँ पे हम लोग नाश्ते के लिए रुके हैं, तो एक बहुत बढ़िया मुझे है ना रेस्टोरेंट दिखा दिया जहाँ पे मैं रुका हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी गाड़ी और ये पूरा रेस्टोरेंट का व्यू है। मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा सामने दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए बास्केट एंड रॉबिन्स आपको दिख रहा है, मतलब अल्टीमेट है, मज़ा आ गया। यहाँ पे देखिए कैफे कॉफ़ी डे भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं आपको थोड़ा सा ना ये जूम कर देता हूँ। ये यहाँ पे है सीसीटी, ये सीसीटी का पैनल है। अभी हम लोग जहाँ पे आए हैं यहाँ पर ये मोर ओवर कॉफ़ी, ये एक है बास्केट एंड रॉबिन्स है। इनके सीटिंग्स वगैरह किसी को मतलब यहाँ पर आना है। ये है डॉट किशनगढ़ जो रोड है अजमेर रोड पे, मतलब किशनगढ़ जो 10 किलोमीटर बसता है वहीं पर है ये। तो देखिए एक मिनट, ये इन्होंने यहाँ पर ना बहुत बढ़िया ना ये कर रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है। ये मेरा दिखाने का मतलब आपको लोगों को लॉजिक किस बात पे है, मैं ये दिखाता हूँ आपको कि मैं ना यहाँ पे ये जो म्यूज़िक चल रहा है ना एकदम सूदिंग म्यूज़िक, और ये मुझे ना थोड़ा यहाँ पे ना गोवा की फील दे रहा था। नॉर्मली यहाँ पे ये थोड़ा डेजर्टी एरिया है तो यहाँ पे ज़्यादा मिलता नहीं ये चीज़ें, पर इस तरीके से आप देखेंगे ना तो ये देखिए प्रोबेबली अपन लोग मतलब यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ना ये गोवा वाला फीलिंग दे रहा है कि जैसे गोवा में एक हल्का सा म्यूज़िक चलता रहता है। यहाँ पर देखिए ये देख रहे हैं सा है, ये इतना तेज बज रहा है। फिलिप्स है, कंपनी है, सबको पता है। ये अपना बास्केट एंड रॉबिन्स, ये द रामा रेस्टो, ये देखिए सामने से ये रामा रेस्टो है। और ये है यहाँ पर साउची चाय। अब यहाँ पे क्या सीन क्या है, ये एक ही ओनर का है, ये पूरा एक ही है। जिसे नाश्ता करना है, जिसे कॉन्टिनेंटल खाना है, जिसे कुछ बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाना है वो यहाँ खा सकता है, चाय पीनी है। फिर बास्केट एंड रॉबिन्स पे यहाँ पर इन लोगों ने आइसक्रीम सा रखा, और यहाँ पर जिसको भी कॉफ़ी लवर है वो यहाँ पे आ सकता है, ये सीसीडी वाला फील दे देगा। और ये है हमारा हाईवे, हाईवे से देखिए ये डॉट आप है ना किशनगढ़ से 8 किलोमीटर पहले किशनगढ़ जाने तक अजमेर रोड पे राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा ये। मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ ज़रा। ये 7 होटल, इन्होंने टेम्पल से यहाँ 2 बॉडीगार्ड खड़े कर रखे जो नॉर्मली यहाँ पे होते ही है। सिटिंग अरेंजमेंट ऑल्सो गुड। ये मेरी फैमिली सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। हेलो, हम लोग आए हैं ये रेस्टोरेंट, आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे इन लोगों ने आज सुबह सुबह थोड़ा से आरती वाला जो मज़ा होता है वो दे रखा है। पीछे ये देखिए, एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिटरली है ना भेड़िया देखा है। ये देखिए, ये जर्मन शेफर्ड है, लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे भेड़िया ही बैठा है मेरे सामने। ये अभी खड़ा हुआ नहीं है, नहीं तो आपको दिखाता मैं। ये देखिए एक इसका दूसरा भाई यहाँ पर, देखिए मैं दिखाता हूँ, प्यारी ब्रीड है ना ये। और ये बच्चों के खेलने का गार्डन है यहाँ पे, शाम को यहाँ पे बहुत प्यारा माहौल होता होगा। यहाँ पे इन लोगों को देखिए अंदर भी है ना, इन लोगों ने यहाँ पे दिया था रॉयल आर्मी रूम्स, यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हो जाता है। ये सब एक ही ओनर का पार्ट है, इन लोगों ने यहाँ पे ना इस तरीके से बना रखा है। ये देखिए बिल्कुल लिटरली ऐसा लगता है भेड़िया बैठा है। काटता वटता नहीं है ना, कौन सी, दोनों एक ही है, दोनों क्या है, डबल कोट है ना, डबल कोट है जर्मन शेफर्ड। ओके ओके, बहुत ही प्यारा है। क्या चीज,
ये जर्मन शेफर्ड डबल कोट है, मैंने इससे अच्छा जर्मन शेफर्ड कभी नहीं देखा। ये मतलब ऑलमोस्ट आप ये समझिए पूरा इंडिया है। हाँ बेबी, यस, क्या कह रही है मम्मी? अच्छा, आपको ये डॉगी कैसा लगा वो बताओ। हाँ, चलो, हमने नाश्ता मंगवाया था तो शुरुआत हो गई है। ये दो चीज़ें आई है, प्याज बना था। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको दिखाया पूरा जो पूरा होटल का व्यू है, जो कि मस्त है, बेसिन वगैरह। और जो मैंने आपको दिखाया जर्मन शेफर्ड, अल्टीमेट लेवल का जर्मन शेफर्ड है ये। और यहाँ पर देखिए इनका सिटिंग अरेंजमेंट है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, आप लोग विजिट करिए, मज़ा आ जाएगा। अभी हम लोग कुछ खाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग क्या खा रहे हैं। A few moments later. ये जो आप लोग देख रहे हैं ये होटल हाईवे किंग है, जो कि अभी जयपुर में एंट्री होने से पहले 25 किलोमीटर पहले है टूवर्ड जयपुर। और यहाँ पर है ना, ये जो दिख रहा है ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका ही। और यहाँ पर ऐसे अच्छे ब्रांड्स वगैरह हैं, जैसे यहाँ पे है ना ये जॉकी का, इन ये पूरा ये पीटर इंग्लैंड वगैरह का, यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। और ये इसका ना रेस्टोरेंट है अभी फ़िलहाल के लिए जो शिफ्ट हुआ हुआ है, ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर, और एकदम फर्स्ट क्लास आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। क्या पी रहा है? कुछ क्या हो पूजा मेरा बेटी? हाँ, फेवरेट। हाँ, बिना कोल्ड ड्रिंक जीवन कैसा? बसाओ बसाओ बसाओ। देखिए हमारी प्रीशा, ए पिज़्ज़ापा। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने फाउंटेन का ये बनाया है एरिया, जो कि अल्टीमेट एकदम ऑसम बनाया है। और ये इनके पास ग्राउंड है बहुत बड़ा, यहाँ पे इन्होंने पूरा ये देखिए रेस्टोरेंट से लेके, और ये देखिए इनका ये लॉबी एरिया है। और ये इनका भी काम चल रहा है, ये देखिए बहुत बड़े लेवल पे इनका काम चल रहा है। मे भी शायद से इन अ ईयर और टू ईयर में ये बनाया, थोड़ा गेम जोन भी बनाया क्रिकेट स्टेडियम टाइप। यहाँ पर देखिए पूरा है, शूटिंग एरिया है, क्रिकेट है, बॉलिंग लगे करिए का है। ये देखिए यहाँ पे इनके देखिए मल्टीपल ऑफ ब्रांड्स हैं, एडिडास, रीबॉक, लीग ऊपर, डैमो, कैनियो, नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे इनके ब्रांड्स वगैरह हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा है कि ये देखिए यहाँ पे ये जो नेट बना हुआ है, हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ पर ना क्रिकेट खेलेंगे, तो देखते हैं किस तरीके से होता है। अभी मेरे बीच में और हिमांशु के बीच में आज मैच लगने वाला है, तो हम लोग देखते हैं। चलिए, आता है खेलना? कब खेली थी? नहीं तो खेलेगी है? अरे वो नहीं खेलेंगे, ट्राई कर ले, ट्राई कर सकते हैं। ओ फेंकअप, ओ फेंकुचन, खेलेगी कि पक्का नहीं? नहीं खेलेंगे, पैसे ले गए। तो हम तो खेल रहे, तो खेलो खेलो, बोलो जल्दी, बोलो खेलने का मन तो। कैसे खेलना? वहाँ से बॉलिंग, वहाँ से बॉल आएगी निकल के स्टूडियो में। अच्छा, फिर मारना है वहाँ से ना बॉल आएगी। सुन, वहाँ से ना वो दिख रहा है ना एरिया, वहाँ से ना बॉल आएगी और तुझे यहाँ से ना शूट करना है। पहले आप खेलो, उसके बाद में खेलो। ठीक है। क्या हाल है दोस्तों,
आज बात करूंगा मैं आज के ब्लॉग की। तो आज का ब्लॉग कैसे रहा कि हम लोगों का कुछ प्लान था, कि प्लान सिंपल था। एक हमारे रिलेटिव थे जो किशनगढ़ में रहते थे, हमें उनसे मिलने जाना था किसी वजह से। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आपको रास्ते में क्या चीज़ें हैं वो दिखाई जाए, पर मैं ज़्यादा बड़ा ही ब्लॉग बना नहीं पाया। उसका सबसे बड़ा रीज़न था हमारा टाइम इश्यूज़, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँचना था। हम लोग अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठ गए थे। 4 बजे उठने के बाद हम लोगों ने जल्दी 5:15 बजे ही हम लोग यहाँ से निकल गए थे जयपुर से। जयपुर और किशनगढ़ का जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट आप समझ के चलिए वो होगा 100 and something, 105 और 102 किलोमीटर के करीब होगा। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे कुछ 8 बजे के करीब हम लोग पहुँच गए थे। रास्ते में मैंने एक रेस्टोरेंट पे भी आपको दिखाया कि जिस रेस्टोरेंट के अंदर हम लोगों ने वहाँ पे नाश्ता वास्ता सुबह किया था। तो वो बंच ऑफ रेस्टोरेंट थे वहाँ पर, जैसे कि रामा रेस्टोरेंट था वहाँ पे, बास्किन एंड रॉबिन्स था, फिर वहाँ पर है ना CCD था, फिर वहाँ पे मैड ओवर कॉफी करके एक ब्रांड है वो था। तो पांचों थे, शायद से एक ओनर के ही थे वो। तो मैंने उसकी एक फुटेज भी आपको डाली कि हम लोगों ने वहाँ पे क्या ऑर्डर किया था, कैसे था। तो जाते वक्त मैंने डाला था। फिर रिटर्न हम लोग जब आ रहे थे तो हम लोगों ने प्लान किया, हमने बहुत सारे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह देखे कि कहाँ पे बैठना चाहिए। तो आज हमने एक नया ट्राई किया। नया क्या ट्राई किया हम लोगों ने, द हाईवे किंग करके यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रांड है। इट इज अ फ्रेंचाइजी ऑफ होटल्स। तो उसपे हम लोगों ने ना ट्राई किया कि खाना खाते हैं। मैं उस पर ना एक गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने वहां पर ना खाने का आपको चीज दिखा नहीं पाया। मैंने आपको रेस्टोरेंट का व्यू दिया है, सब कुछ दिया है, पर वहां पे मैं खाना इसलिए बता नहीं पाया आप लोगों को कि मेरी छोटी बेटी है जो अभी भी हुई है। हाँ, एक और आपको नई बात बता देता हूँ कि मैं उसका भी ब्लॉग लेकर आ रहा हूँ कि मेरी बेटी का जब हुआ था तो मैं ना उस पर एक बढ़िया कहानी है वो मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर जरूर करना चाहता हूँ। कि मेरी बेटी जो छोटी बेटी है अभी मेरी जो हुई है, इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ की हुई है। तो उस समय भी मैं थोड़ा सा ना प्रॉब्लम में आ गया था। तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि उसमें मैं मतलब किस तरीके के मैंने फेसेस फेस किए थे मेरे नए बेबी का जो बॉर्न हुई उसके केस में, तो क्या क्या हुआ वो भी मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। तो उससे पहले वो ये था कि वो अभी थोड़ा सा परेशान हो गई थी, सुबह से निकली हुई थी अर्ली मॉर्निंग से, तो ज्यादा परेशान हो गई। तो हम लोगों को लगा कि हमें अभी घर पे पहुंचना चाहिए। तो मैंने हाईवे किंग का पूरा व्यू तो डाला है, पर वहां पे बस हम लोगों ने क्या खाया वो थोड़ा सा वैसे मिस हो गया। तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा इस चीज के लिए। और हम लोग वहां पे गए, हम लोगों ने देखा कि हाईवे किंग के, तो मैंने मतलब मैंने ना ऑलमोस्ट ना पूरा इंडिया घूमा है। ऐसी कोई जगह नहीं होगी इंडिया में जो मैं नहीं घुमा हूँ। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह को ट्राई किया है, होटल्स को ट्राई किया है, नॉर्दर्न साइड किया है, वेस्टर्न साइड किया है, साउथर्न साइड किया है, ईस्टर्न साइड किया है, मैंने हर जगह पे ट्राई किया। पर जो मैंने हाईवे किंग का खाना खाया ना, ऑसम है। ये कोई पेड तो है नहीं, आप सब जानते कि अभी मेरा यूट्यूब चैनल कोई इतना बड़ा ये नहीं है कि मैं पेड प्रमोशंस करूँ आपके लोगों के सामने, पर फिर भी क्या है कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो भी बंदा या जो भी है ना ट्रैवलर, अगर इस साइड से आ रहा है, समझ लीजिए अजमेर साइड से जयपुर की तरफ आ रहा है, जयपुर साइड से अजमेर की तरफ से आगे तक जा रहा है, तो यहाँ पे एक ब्रांड नेम है द हाईवे किंग। तो आप है ना इसको जरूर ट्राई करिए। यहाँ पे अगर आप लोगों के आप प्योर वेजिटेरियन है तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। कॉस्ट इफेक्टिव, बिल्कुल एकदम नॉमिनल रेट्स है, और जो क्वालिटी है फूड की वो बहुत अच्छी है। और एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी पर्सनली वो ये लगी कि जो मैंने पूरा उनका ये देखा, मेन्यू देखा, तो उसमें किसी चीज की कमी नहीं थी। आप जो भी हो, जैसा भी लवर हो, जैसे भी फूड का लवर हो, उसे हाई क्वालिटी हाई ग्रेड क्वालिटी का जो फूड होता है ना वो ही खिलाया गया। और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अब चाइनीज में, अब देखिए मैं पर्सनली जैसे मैं घूमता हूँ तो लोग लिखते हैं चाइनीज है, साउथ इंडियन है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, पर वो टेस्ट नहीं दे पाते क्योंकि वो होटल होता है। वो लोग सिर्फ एक ना आपको ना सहूलियत, ये आपको बोलते हैं ना कि एक आपको चीजें प्रोवाइड करवानी, जितना आपको कर देते कि ठीक है कोई साउथ इंडियन मांग रहा है साउथ इंडियन खिला देंगे। पर जो मैंने द हाईवे होटल द हाईवे किंग के बारे में देखा, मतलब जो मैंने आज वहां पे खाया, तो आप इंडियन खाओ, आप साउथ इंडियन खाओ, आप चाइनीज खाओ, आपको ना ऐसा लगेगा कि आप प्रॉपर प्रॉपर ऑथेंटिक ही खा रहे हो। मतलब वो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा। और टेस्ट इतना अच्छा था ना कि हम सच में है ना, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उसका वीडियो बनाऊं। हमें तो बहुत भूख लग चुकी थी, हमें घर बहुत जल्दी पहुंचना था, मेरी बच्ची थोड़ा सा ऑलमोस्ट ना परेशान होने लग गई थी, पूरे दिन भर से बाहर थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो, तो फिर उस समय हम लोगों को इतनी तेज भूख लगी थी कि हम लोग फटाफट फटाफट खा गए। नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम जैसा भी हो मैं आप लोगों के सामने जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा कि क्या चीज मैं खा रहा हूँ, क्या चीज मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। जो आप लोग भी कल को वहां जाओ तो एक बार वो ट्राई जरूर करो, क्योंकि वहां पर ना जो मैंने थाली खाई कुछ 290 रुपीज की थाली थी, किंग साइज थी, 2 लोग खा सकते आराम से। हम तो 3 लोग खा लिए सच बताऊं तो, पर वो 2 लोगों के लिए बहुत परफेक्ट थाली। अगर कोई हमारे मेरे जैसा है, मेरे जैसे ही कोई है ना दूसरा लड़का है तो 2 खा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई वाइफ है लेडीज है तो आप बच्चे के साथ खा सकते हो उस थाली को। 290 रुपीज में उसने ऑलमोस्ट हमें 4 सब्जी दी थी,
उसके साथ साथ उसने हमको ना चार सब्जियों के साथ है ना तीन नान दी थी और रायता था, उसके साथ आइसक्रीम थी, हर चीज उसने ऐसी दी थी, पापड़ अचार वगैरह सब था, ये सभी थालियों में था। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा क्या नया दिया, और सब थाली में ये सब होता है। तो अच्छी बात क्या थी कि बात चीजें प्रोवाइड करने की नहीं है, बात थी कि क्वालिटी, जो क्वालिटी थी ना उस खाने की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लिटरली ये फील हुआ कि मेरे घर में कोई फंक्शन है और मैं घर में बैठ के खा रहा हूँ, मेरे लिए किसी ने खाना बनाया है, जस्ट लाइक माई वाइफ माई मदर। तो हम लोगों को वैसा फील हुआ, तो ये सबसे अच्छी बात थी। फिर हम लोग वहाँ पे 7-8 जन थे, हम लोगों ने वहाँ पर है ना फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए थे, चाइनीज ऑर्डर किया था, हमने वहाँ पे 2 थाली ऑर्डर की, हमने वहाँ पे आइसक्रीम ऑर्डर की, और हमारा कुछ बिल बना हुआ कुछ 1200 रुपए के करीब। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतना अच्छा हम लोगों ने खाना खाया, पेट भर खाना खाया। लिटरली अभी देखिए रात रात के 9 बजने वाले टाइम हो गया, और मैं कब का आ गया था, थोड़ा सा आते ही हम लोग आराम करने लग गए थे, थक गए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे। तो अभी हम लोग उठे और मुझे स्टिल अब तक ऐसा लग रहा है कि मुझे खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, बहुत अच्छा हम लोगों का पेट भरा है। तो खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर करूं। तो कोई भी है जो भी ये रूट पे आता है, कौन से रूट पे, जयपुर वाले रूट पे आता है या फिर अजमेर वाले रूट पे जाता है, तो ये जरूर ट्राई कर सकता है। तो होटल हाईवे किंग, आप लोगों को मजा आ जाएगा। जयपुर से 25 या 23 किलोमीटर पहले ही पड़ता है ये, वहां पे आपको किलोमीटर्स भी, उनकी सबसे अच्छी बात क्या, उन्होंने होटल के आने से पहले हर थोड़ी देर पहले ना 1 किलोमीटर का उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि अब 15 किलोमीटर बचा है, अब 9 किलोमीटर बचा है, अब इतने किलोमीटर बचा है। तो ये चीज बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ पे जरूर विजिट करिएगा, बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप यहाँ पे आ गए तो आपका 1-1.5-2 घंटा कहीं नहीं गया। यहाँ पे प्लेइंग प्ले एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, गार्डन एरिया बहुत अच्छा है, अपना जो हॉल है जहाँ पे खाना मिलता है पूरा एसी से, एसी प्रोवाइडेड है। तो आप लोगों को ऐसा कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसे कि ना कि आप बस हमारी तरह थक जाओ, थक जाओ तो फिर क्या है, बात ही खत्म हो जाती है। आप कोई भी फैसिलिटी लीजिए, आपको सबसे पहले अपना घर याद आता है, आपको लगता है कि हम हमारे घर पे जाएं और सबसे पहले वहां पे जाके आराम करें, सो जाए, जो मेरी फैमिली को आज के दिन पे लगा, क्योंकि हम पिछले 3 दिन से कुछ बड़ा मतलब ट्रेवल पे ही कर रहे हैं, कुछ भागा दौड़ी चल रही है हम लोगों की फैमिली में, तो उस वजह से हम लोग थोड़ा सा ज्यादा थक गए थे। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जल्दी मिलूंगा, कुछ अच्छा लाऊंगा, बहुत बढ़िया चीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा कि आप लोगों को मजा आए मेरा चैनल मतलब मेरे वीडियोस देखने के लिए। और धीरे धीरे मैं मेरी फैमिली से आप लोगों को मिलाना शुरू कर दूंगा, जो भी हमारे घर में लोग हैं। तो चलिए आप भी अपनी फैमिली हमारे साथ जोड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना हो सके मतलब फॉरवर्ड करिए, फॉलो करिए इस चीज़ को, तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोगों का साथ मिलेगा। तो उसी तरीके से मैं आपको नई नई चीज़ दिखाते रहूँगा और बहुत बढ़िया चीज़ें आपके सामने मैं लाते रहूँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल, बाय।